हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे धातु एवं अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, और आज हम अपने अध्याय का तीसरा भाग शुरू करेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में और ये देखेंगे कि धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला गुणधर्म है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है निष्प्रभता यानी कि डलनेस। तो बच्चों, अक्सर अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती, जैसा कि आप इन चित्रों में देख रहे हैं। यह चित्र है बेरियम अधातु का और यह चित्र है फॉस्फोरस अधातु का। अगर आप इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें कोई भी चमक नहीं है। लेकिन क्या सभी अधातुएं गैर चमकदार होती हैं? सोचिए। नहीं, कुछ अधातुएं ऐसी भी होती हैं जिनमें चमक पाई जाती है, जैसे कि ये देखिए, आयोडीन और ग्रेफाइट। अच्छा बच्चों, आप शायद यह सोच रहे होंगे कि ये ग्रेफाइट के चित्र में पेंसिल क्यों दिखाई दे रही है। तो बच्चों, एक बड़ी ही रोचक बात ये है कि आपकी जो पेंसिल का सिक्का है वो ग्रेफाइट से ही बना होता है। तो अब इसी पेंसिल के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले गुणधर्म को जानते हैं, जो है भंगुरता। बच्चों, शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि लिखते लिखते सिक्का टूट गया हो, हुआ है ना? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगभग सभी अधातुएं भंगुर होती हैं, यानी कि चोट मारने पर या अधिक दबाव आने पर वह टूट जाती हैं, जैसा कि आप इस चलचित्र में देख रहे हैं कि उस पेंसिल पर अगर थोड़ा ज्यादा दबाव आया तो वो सिक्का टूट गया। क्यों टूटा? क्योंकि यह सिक्का ग्रेफाइट से बना है और ग्रेफाइट एक अधातु होती है। अब सवाल ये है कि क्या सभी अधातुएं भंगुर होती हैं, या कोई ऐसी भी अधातु है जो बहुत ज्यादा कठोर हो? क्या है क्या कोई ऐसी अधातु? जी हाँ, ये देखिए, ये है हीरा। और हीरा जो होता है वो कार्बन का ही एक प्रकार है, कार्बन से ही बना होता है और हीरा सबसे कठोर तत्व है। इसके साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले गुणधर्म को, जो है अध्वन्यात्मकता। अब इसको हम इस प्रकार समझेंगे कि एक काम करिएगा कि आप एक लकड़ी का चम्मच लेना और एक स्टील का चम्मच लेना और इन दोनों को ही टेबल पर बजाकर देखना और फिर ये देखना कि किस में से गूंजने वाली आवाज आई, लकड़ी के चम्मच में से या स्टील के चम्मच में से। सोचिए जरा और बताइए कि किस में से आवाज आएगी। जी हाँ बच्चों, आपने सही सोचा, स्टील के चम्मच में से गूंजने वाली आवाज आएगी और लकड़ी के चम्मच में से नहीं आएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लकड़ी में भी कार्बन होता है जो एक अधातु है, और अधातुओं का गुणधर्म है कि वो अध्वन्यात्मक होती हैं, यानी कि उन पर चोट मारने से उनमें से कोई भी गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विद्युत कुचालकता के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि सभी धातुएं विद्युत सुचालक होती हैं, लेकिन अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत कुचालक होती हैं, जैसे कि रबर जिसके आपके टायर बने हैं, और शायद आप पेंसिल को मिटाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक रबर है, जो कि एक अधातु का ही प्रकार है। बच्चों, आपने बिजली के तारों पर एक रबर की परत देखी हो, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि रबर विद्युत कुचालक है और इसलिए इसे बिजली के तारों पर लगाया जाता है, ताकि गलती से भी छूने से हमें बिजली के तारों से करंट ना लगे। बिजली की तारें जो होती हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, वो अक्सर तांबे की बनी होती हैं। तांबा क्या है? तांबा एक धातु है और धातु विद्युत सुचालक होती हैं, इसलिए उसमें से करंट यानी कि विद्युत प्रवाहित होता है। अब अगर आप गलती से भी तांबे की तार को, बिजली के तार को छुएंगे तो आपको करंट लग सकता है। उसी से बचाने के लिए अक्सर बिजली के तारों पर एक रबर की परत चढ़ाई जाती है,
तो अब फिर से सवाल ये है कि क्या सभी अधातुएं विद्युत कुचालक होती हैं? नहीं बच्चों, एक ऐसी भी अधातु है जो कि विद्युत की अच्छी चालक है। आपको पता है क्या वो कौन सी अधातु है? नहीं तो ये देखिए। जी हाँ, इस चलचित्र में आपको एक पेंसिल दिखाई दे रही है, और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है, और ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक अधातु है। तो बच्चों, इस चलचित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे इन पेंसिलों के द्वारा हमने विद्युत को प्रवाहित किया। इन पेंसिलों को हमने तार से और बैटरी से जोड़ा, और उस बैटरी से विद्युत प्रवाहित हुआ। इसी के कारण जो आप देख रहे हैं कि पानी के बुलबुले उत्पन्न हुए, वो दर्शाता है कि पेंसिल के द्वारा विद्युत प्रवाहित हुआ। तो बच्चों, याद रखिएगा कि ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो कि विद्युत की सुचालक होती है। तो बच्चों, क्या अब आप एक खेल खेलना पसंद करेंगे? तो चलिए अब एक खेल खेलते हैं। इस खेल में मैं एक तरफ धातु लिखूंगी और एक तरफ अधातु लिखूंगी, और आपको भौतिक गुणधर्म बताऊंगी। आपको ये बताना है कि वह भौतिक गुणधर्म धातु का क्या होता है और अधातु का क्या होता है, और हर एक सही जवाब के लिए आपको एक अंक मिलेगा। तो आप सब तैयार हैं? अपनी कॉपी पेंसिल ले लीजिए और धातु अधातु के भौतिक गुणधर्मों को वहां पर लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला भौतिक गुणधर्म जो हम देखेंगे वो है भौतिक अवस्था। तो मैंने धातु लिखा और अधातु लिखा। अब जल्दी से बताइए कि धातु की भौतिक अवस्था क्या होती है और अधातु की भौतिक अवस्था क्या होती है। लिख लिया आपने? तो अब चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो धातु हमें ठोस और द्रव अवस्था में मिलता है। अक्सर सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारा धातु एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, और अधातु जो होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला गुणधर्म देखते हैं, जो है चमक। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि चमक किस में होती है, धातु में या अधातु में? चमक धातु में पाई जाती है और अधातु में कोई चमक नहीं होती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और तीसरा भाग है इस खेल का, लचीलापन। तो आप जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि धातु में लचीलापन होता है या अधातु में होता है। तो अभी उत्तर देखते हैं। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह कुछ तांबे की तार है, मतलब धातु में लचीलापन होता है और अधातु में लचीलापन नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गुणधर्म है आघात वर्धनीयता। तो अब जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए कि आघात वर्धनीयता का गुणधर्म धातु में पाया जाता है या अधातु में। जी हाँ, आघात वर्धनीयता का गुणधर्म धातु में पाया जाता है, यानी कि हम धातु को ठोक पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अधातु को नहीं कर सकते। तो चलिए अब अगला गुणधर्म देखते हैं, जो है ध्वन्यात्मकता। अब जल्दी से बताइए कि ध्वन्यात्मकता किसका गुणधर्म है, धातु का या अधातु का? यानी पीटने पर आवाज किस में से आएगी, धातु में से या अधातु में से? जी हाँ, अगर हम पीटेंगे तो धातु में से गूंजने वाली आवाज आएगी और अधातु में से नहीं आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने स्कूल की घंटी को बजाएंगे, जो कि शायद तांबे की होगी या किसी भी धातु की होगी, तो उसमें से आवाज आएगी, लेकिन अगर आप लकड़ी को बजाएंगे तो उसमें से आवाज नहीं आएगी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऊष्मा चालक। तो अभी आप मुझे यह बताएंगे कि ऊष्मा का अच्छा चालक कौन होता है, धातु या अधातु? हाँ, तो बच्चों, धातु जो है वो ऊष्मा की सुचालक होती है और अधातु ऊष्मा की कुचालक होती है। ऐसे ही अब हम देखते हैं विद्युत चालकता को। तो अब आप बताएंगे कि विद्युत का सुचालक कौन है और कुचालक कौन है। जल्दी से लिख लीजिए। तो अब हम उत्तर देखते हैं। धातु जो है वो विद्युत की सुचालक होती है और अधातु कुचालक होती है। तो
अब हम अपना खेल यहीं समाप्त करते हैं और आप सब अपने अपने अंक को जोड़ लीजिए। जिसके सबसे ज्यादा अंक होंगे वो इस खेल का विजेता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने अधातुओं के बारे में क्या क्या सीखा। तो आज हमने पढ़ा कि अधातुओं में निष्प्रभता होती है, यानी कि वह गैर चमकदार होती है। हमने जाना कि अधातुएं भंगुर होती हैं, यानी कि चोट मारने पर या अधिक दबाव देने पर वो टूट जाती हैं। इसके बाद हमने देखा कि वह अध्वन्यात्मक होती हैं, यानी कि उन्हें ठोकने या पीटने पर उनमें से कोई भी गूंजने वाली आवाज नहीं आती। इसके बाद हमने यह भी जाना कि वह विद्युत कुचालक होती हैं और ऊष्मा कुचालक भी होती हैं। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको आज की वीडियो में पढ़ाए गए विषय समझ आए होंगे। आप इन सबको घर जाकर एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।